पीटीआई को मौरूसी सियासत ले डूबी। गवर्नर, स्पीकर, विफाकी और सूबाई वज़रा ने मंजूर नज़र अफराद को टिकट दिलवाए। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आजम को खुफिया रिपोर्ट भेज दी। वजीर आजम ने महमूद खान को फौरी इस्लामाबाद बुलवा लिया। इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए हिकमत अमली का टास्क दे दिया। पीटीआई की दरख्वास्त पर बन्नू की मेयर की नशिस्त पर रीकाउंटिंग शुरू हुई और इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का हुक्म मौतल कर दिया। फरीकैन को आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। जेयूआई के कामयाब उम्मीदवार इरफान दुर्रानी की दरख्वास्त पर उबूरी हुक्म दिया गया। बन्नू के इलाके बक्का खेल में इंतखाबी सामान छीनने का मुकदमा सूबाई वजीर मलिक शाह मोहम्मद के भाई के खिलाफ दर्ज। हामियों का मीरान शाह रोड पर धरना। मुकदमा खारिज करके गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा। हाथ जोड़ के इनसे माफ़ी मांगता हूँ और इनके जरिए से इनकी पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ और अपने भाइयों के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि अल्लाह के वास्ते अपने नबी को पढ़ो। हम माफ़ी मांगने आए हैं, श्रीलंका वालों से शर्मिंदा हैं। मौलाना तारिक जमील प्रियंका कुमारा के कत्ल की ताज़ियत के लिए ताहिर शफी के साथ श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मिले तो माफ़ी मांगी, कहा बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, जालिम अपने अंजाम को पहुंचेंगे। और महंगाई, बेरोजगारी या फिर पढ़ाई की फिक्र, हर हाल में खुश कैसे रहना है अब ये भी पढ़ाया जाएगा। लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का नया कोर्स मुतारिफ। 2 साल पढ़ाई के बाद खुशी की डिग्री मिलेगी।